और मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। आप यहाँ से एबीसी, आप अभी 60 की नहीं हुई है, लक्ष्मीबाई 60 की हो गई है, शोभा मैडम 58 की है। आज से आप भाई राजनीति में तो 60 साल के बाद करियर चालू होता है, तो आपका अभी करियर चालू हो रहा है अपने घर परिवार को संभालने का। घर परिवार का वालों का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको और 25-30 साल इनको कुछ नहीं हुए, ये आप यहाँ पर गवाही देंगे, यहाँ पर प्रतिज्ञा करेंगे। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं इनको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला जीवन इनका भरभराट ही नहीं हो, तो आपके जीवन में कांटे कभी ना हो, कांटे हो तो कमल का फूल हो, नीचे कांटे और ऊपर फूल हो, आप महकते रहें, तुम्हारा परिवार भी आपको महकाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद अपने सब बोला कार्यक्रम है। आदरणीय बाबासाहेब फाळके अपना अनुगत व्यक्त करावा होता। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र अरोरा है, मैं भारत सिनेमा टीवी राइटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। मैं वेस्ट इंडिया भारत सिनेमा टीवी राइटर एसोसिएशन की तरफ से शोभा और लक्ष्मी जी को शुभेच्छा देता हूँ, गुड लक बोलता हूँ और एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब आप 60 के हो गए तो आप 60 के नहीं 6 के हो गए। बहुत बुढ़ापा और बचपन में कोई कमी नहीं होती है, तो बुढ़ापे को बचपन की तरह एंजॉय करेंगे तो लाइफ और बढ़ेगी। और 58 साल की जो हो गई हैं वो अभी समझो कि 16 साल की। तभी ज़िंदगी की जंग को जीत सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने प्रोफेशनल जंग को जीता है
परिवार को संभाला है। अब आप परिवार में रह के अगर आप बच्चा बन के जिएंगी तो और इन्जॉय करेंगी और लंबी उम्र भगवान आपको दे। जिस तरीके से आप शोभा और लक्ष्मी बनकर फिल्म सिटी के लिए भारत दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के लिए आपने काम किया है, उसी तरीके से अब आप घर परिवार को संभालेंगी और अपने इस जीवन को इन्जॉय करेंगी। अभी मैं राजू भैया नरेंद्र मोदी विचार मंच जी के जनरल सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि वो दर्शन दादा साहेब फाल्के जयंती के समारोह पे उपस्थित राठौर जी, पाटिल जी और महाराज साहब और नाइक मैडम और कटारे मैडम, जिनका आज सेंड ऑफ डे है। आज इस पावन अवसर पर अरोरा जी ने मुझे बुलाया और यहाँ पे शुभेच्छा देने का अवसर दिया और मैं अपने आप को भाग्यवान इसलिए समझता हूँ, नरेंद्र मोदी विचार मंच से मैं काम करते करते मुंबई का जनरल सेक्रेटरी का पद संभालते हुए मेरा सौभाग्य है कि दादा साहेब फाल्के जैसे महान हस्ती ने यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे वो कहानी अरोरा जी ने ही बताई थी, 50 जन के यूनिट का स्टाफ को लेकर पूरे दिन भर शूटिंग करना और शाम को वो 50 यूनिट के लिए दोनों मियां बीवी खाना पकाकर उनको खिलाना और फिर दूसरे दिन फिर शूटिंग करना, दोनों टाइम उनके खाने चाय पानी की व्यवस्था करना, इस तरह से दादा साहेब फाल्के ने अपने जीवन की शुरुआत की और आज इंडस्ट्री देख रहे हो करोड़ों अब्जों में चल रहा है, इतनी बड़ी प्रगति पंथ पर पहुँच गई। ये सब देन उस दादा साहेब फाल्के जी के परिश्रम और मेहनत का आज फल है और मुझे खुशी इसमें इस बात की हो रही है कि आज उन्हीं के जन्म दिवस पर जो दो महान ऐसे जिसके बारे में अभी काफ़ी कुछ सुना, शर्मा जी ने कहा, भोसले जी ने कहा, ऐसे दोनों को रिटायरमेंट का आप सेंड ऑफ पे कर रहे हो और उनका सम्मान कर रहे हो, ये एक उसमें एक चार चांद लगाने वाली बात बन जाती है। महिलाओं को याद करके आगे की आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम भी करना यह हमारा कर्तव्य बनता है, जब हम कार से जुड़े हुए हैं तो हमको ये करना चाहिए। ये एक अच्छा अवसर और अच्छा एक मौका यहाँ पे आप लोगों ने घोषित किया कि आप सभी लोगों का भी मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के अवसर को धन्यवाद करूँगा। आप सभी अधिकारीगण आपका भी विशेष अभिनंदन करूँगा क्योंकि देखो हर क्षेत्र में हमने देखा है, हम तो हर तरफ देखने को मिल रहे हैं, सभी श्रेणी कामगार के लिए या उसे ऊपर के क्षेत्र के लिए कर्मचारी के लिए कोई तरह के अपना समय व्यतीत करके उनका सम्मान करने के लिए समय देता हूँ। कोई योगदान रहा होगा इस कार्य और मैं यही कहूँगा कि इनके आगे के हर दिन अच्छे जाए और हमारी कामना इनके साथ और इनको कभी आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो ये पूरी इंडस्ट्री इनके साथ है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ इतने दिन काम किया है तो हम सब इनके साथ हैं। परिचय मेरा खुद का करवा देता हूँ आपको। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पुसाड़कर, मैं दादा साहब की जो जूनियर डॉटर है मालती फाल्के पहले के बाद में वृंदा पुसाड़कर उनका लड़का हूँ। अभी उनके लड़के में से कोई नहीं, हमारी थर्ड जनरेशन है और हम लोग अवेयरनेस का जो काम है दादा साहब फाल्के का इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन हमारा है कि वो मिशन का काम यही है कि सभी लोग को दादा साहब फाल्के अवार्ड का पता है लेकिन उनका स्ट्रगल बहुत कम लोग को पता है। तो हम लोग ने वेबसाइट शुरू की है लास्ट ईयर से, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन, आप सर्च कर सकते हैं, यू कैन विजिट द वेबसाइट और 19 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू है और दादा साहेब फाल्के लाइफ, सो एनीबडी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, लाइक आई हैव लर्न कि इट्स नेवर लेट इन योर लाइफ। दादा साहेब फाल्के ने जब ये न्यू रखी इंडस्ट्री की, ही वॉज 40+, ही हैड 2 किड्स एंड ही हैड नो मनी, देर इज नो आइडियल सिचुएशन बट स्टिल अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री। जो 25,000 में उसने शुरू की, आज उसका 15,000 crore का ये हो गया है। दादा साहब ने जो मेक इन इंडिया मिशन 1913 में चालू किया स्टार्टअप,
और आज हम सब फल हजारों लाखों लोग को रोजगार है, रोजी रोटी मिल रही है, जो एंटरटेनमेंट आज बेसिक नीड है, फूड एंड शेल्टर, वैसे आम लोग को मिल रही है, स्टार लोग को ग्लैमर मिल रहा है और गवर्नमेंट को अच्छा इनकम मिल रहा है टैक्सेस से। तो दादा साहब फल के एक देते रहे दोनों हाथ से, लेकिन अब हमारा वक्त है कि उन्हें देना चाहिए कुछ, फिर वी हैव टू गिव हिम बैक व्हाट वी कैन डू, वी शुड गिव हिम पोस्टमस भारत रत्न। आई एम अपीलिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज रिकमेंड हिज नेम फॉर पोस्टमस भारत रत्न, नॉट ओनली ऑफ दादा साहब फाल्के बट ऑल्सो सरस्वती भाई फाल्के, बिकॉज सरस्वती भाई बिना वो कंप्लीट होता नहीं था। दादा साहब फाल्के खुद बोले थे कि मैं आज जो कुछ हूँ वो मेरी वाइफ के फुल सपोर्ट के और उसका टेक्निकल असिस्टेंट, चीज फर्स्ट फीमेल टेक्नीशियन, उसका असिस्टेंट के बिना होता नहीं था। तो आज 148 बर्थडे में ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार को जरा याद दिलाते कि पोस्ट ऑफिस भारत रत्न की कुछ किया जाए और सरस्वती भाई फाल्के के नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए नेशनल लेवल पे, बेस्ट फीमेल प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। एंड इसके लिए मेरा जो वाइफ है, एक ये ना मृदुला, ये मेरे साथ हमेशा है और ये मेरे जो अरोरा जी और वेस्टर्न इंडिया, ये हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं। आई थिंक गांधी साहब भी अभी राजू भाई अभी एज प्रॉमिस भी कि गोपाल शेट्टी की तरफ से यू विल अप्रोच द फॉर द टू लोकसभा एंड सो आई थिंक एंड प्रेस इज ऑल्सो आफ्टर अस मीन्स दे आर सपोर्टिंग। सो आई होप दैट समथिंग डेफिनेटली हम जस्ट बनाने यहाँ आएंगे। सर आपने सब कुछ कहा, आपने इंडस्ट्री ग्रो हुई ये भी कहा, आपने टैक्स पे कर रहे हैं लोग, आज फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई ये भी कहा, पूरे भारत में शूटिंग होती है इस पे, ये सब दादा साहब की देन है। लेकिन आज यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है बट यहाँ पे कोई भी ऐसा या सरकारी गवर्नमेंट का ही बंदा कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको और ज़्यादा सक्सेसफुल करे, इसको तैयारी करके, और ना कोई बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार है यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो मैं कहते रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आना चाहिए, लेकिन एक है मैं पॉजिटिव थिंग लेता हूँ कि पहले से कुछ उपस्थिति बढ़ी है। फिर भी मैं चाहता हूँ आप बोले वैसे है कि और एक्टर लोग आने चाहिए, एक्ट्रेस लोग चाहिए जो जुड़े हैं, दे शुड कम, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज नॉट ओनली द कॉमन पीपल बट दे आर मोर अटैच टू द इंडस्ट्री। सर इसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे है उपस्थित है, बट आपकी कितनी लगन है इसके अंदर कि हम लोग यहाँ पे स्टार को बुलाए या कोई गवर्नमेंट के सक्सेस करे, जैसे यहाँ पे आज कोई बड़ा पार्टी होता था, गवर्नमेंट के भी लोग शामिल होते हैं और साथ में सुपरस्टार भी शामिल होते हैं, तो आपने क्या तैयारी की उसके लिए, कुछ आपने सोचा है? क्या तैयारी मतलब बुलाने का कुछ आपने सोचा है इनको, इन लोगों को आगे रास्ते कुछ निकाला है ना? हम लोग हमारी तरफ से बुलाएंगे, अभी आना उनकी हमारा जो इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन विद they will coordinate with other people, we will try for the bigger this thing na, hamare taraf se hum bulate bhi hai jo pehchan wale usko ye main award jo jisko mile abhi beech mein foundation award mein gaya tha apna jo Harsh Gupta ka award kaun sa hai excellence award, to jo actors ko award mile hamara excellence hamara jo website ka details unko diye, to hamare taraf se awareness badhate hai to unko bhi kuch lage dada sahab bar wo aatmiyata andar se lagna chahiye ab barabar aur they should read it properly, then they will know. इसलिए हम लोग को that we are trying to go into the heart of the people. Thank you sir. Granddaughter in law बोल रही हूँ, बहू बोल रही हूँ। मेरा नाम है मृदुला, सर नेम कुशालकर। मैं गवर्नमेंट से एक ही बात अनेक बार दोहरा चुकी हूँ सो मेनी टाइम्स कि सरस्वती भाई फाल्के का योगदान भी बहुत है, जो दादा साहब ने खुद कहा है कि बिना सरस्वती भाई फाल्के के मदद से मैं पिक्चर का ये नींव नहीं डाल सकता था, तो उसका जो योगदान है वो बहुत है, बहुत लोग को मालूम नहीं, क्योंकि 100 साल पहले गवर्नमेंट को रिकग्निशन लेडीज़ को नहीं था, लेडीज़ की तरफ कोई रिजर्व सीट ध्यान भी नहीं देते थे, वो ऐसे पढ़ी लिखी औरत नहीं थी बहुत, लेकिन उन्होंने जितना योगदान दिया है उसके लिए वो उसने सीख लिया टेक्नोलॉजी सब, जो हाइपो में फिल्म धोना पड़ता था उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता था, हैंड पंचिंग करती थी सब, उसने बहुत काम किया है,
उसके लिए मैं गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि दादी सरस्वती भाई फाल्के के नाम से कोई भी फीमेल टेक्नीशियन को अवार्ड चालू कर दें। हम बहुत बार शी इज़ द फर्स्ट फीमेल टेक्नीशियन। थैंक यू मैम। दादा साहेब फाल्के जी के जन्मदिन जयंती के अवसर पर मैं राजेश आहिया नरेंद्र मोदी विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी मुंबई के जनरल सेक्रेटरी के नाते और उत्तर मुंबई जिला के भारतीय जनता पार्टी के सचिव के नाते यहाँ पे रविंद्र अरोरा जी ने मुझे बुलाया और यहाँ पे मेरे हाथों से दादा साहेब फाल्के जी का जो जन्म जयंती पे माल्यार्पण का जो कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर मुझे सम्मानित भी किया और इस वजह से मैं रविंद्र अरोरा जी और सारी फिल्म इंडस्ट्री और सबसे पहले चंद्रशेखर जी जो कि दादा साहेब फाल्के जी के पोते हैं और मृदुला जी जो बहू है इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस आज के इस जन्मदिन के उत्सव पर जिस तरह से दादा साहेब फाल्के जी ने और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती दादा साहेब फाल्के जी की सरस्वती जी उनकी अर्धांगिनी जी ने जो योगदान दिया है इस फिल्म इंडस्ट्री में और जो उनका मतलब अपने जीवन को अर्पण कर इस फिल्म इंडस्ट्री को आज जीरो से लेके उसको सर्जित किया जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने पूरी स्टोरी बताई कि दादा साहेब फाल्के जी ने केवल 25,000 रुपये से शुरुआत की थी और आज इस इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री बनाकर रख दिया इस तरह का जो काम की शुरुआत की इस उनके जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पे शुरुआत उन्होंने की है और उन्होंने ये मैसेज देने का प्रयत्न किया है जो आज वर्ल्ड में ग्लैमरस जो आर्टिस्ट है जो बड़े बड़े लोग हैं और उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट के अधिकारी हो या फिर यहाँ के MLA हो MP हो इन्होंने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए। तो ज़रूर से मैं प्रयास करूँगा कि अगली बार हमारे MLAs को मैं अप्रोच करके सरकारी तो करेंगे ही लेकिन साथ साथ में आपके माध्यम से आपके ये जो आज न्यूज़ चैनल जो चलाओगे आप इसके माध्यम से जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने विश्व में नाम कमाया है वो दादा साहेब फाल्के की वजह से कमाया है उन तक ये मैसेज पहुँचे और अगले जन्मदिन के उत्सव पर वो सभी यहाँ पर सम्मिलित हो और दादा साहेब फाल्के जी का जन्मदिवस का कार्यक्रम आयोजित करने में वो सहभागी हो तो उनको सबसे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। इस तरह का प्रयास हम लोगों ने करना चाहिए और हम आने वाले दिनों में ये प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे और सभी मिलकर इस प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में दादा साहेब फाल्के जी को के अवार्ड तो रोज़ हम देखते हैं कि भाई फलाने को दादा साहेब फाल्के जी का अवार्ड मिला लेकिन उनको खुद को भारत रत्न अवार्ड मिले इस तरह का प्रयास और उसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी सरस्वती जी को कभी भारत रत्न एक ही व्यक्ति को दिया जाता है लेकिन इस बार हम चाहेंगे कि भाई ये दोनों मियाँ बीवी ने पूरा काम किया है साथ में मिलकर तो दोनों को अवार्ड मिले और ये दोनों महान हस्तियाँ भारत रत्न के से नवाजा जाए और अगले साल की इस जन्म जयंती के अवसर पर उसका भी हम यहाँ पे उत्सव मनाएं इस तरह की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी के सामने हम ये हमारा प्रस्ताव रखने वाले हैं और उनके माध्यम से लोकसभा में और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचाकर हम उनसे ये डिमांड करेंगे हम उनसे ये मांग करेंगे कि भाई दादा साहेब फाल्के जी को और सरस्वती जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। इस तरह के हम प्रयास को शुरुआत कर चुके हैं और आगे बढ़कर इस कार्य को पूरा करने के लिए हम ईश्वर चरण से प्रार्थना करते हैं और आप सभी को शुभकामना देते हैं। देखिए दादा साहेब फाल्के जयंती है आज और आज का ये शुभ दिन है। मैं बताना चाहूँगा कि हम विनोद तावड़े जी जो हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं कुशालकर जी के साथ हम मिले थे तो उनको हमने पत्र दिया है कि महाराष्ट्र सरकार दादा साहेब फाल्के और सरस्वती फाल्के को एजुकेशन में एक चैप्टर। सर विनोद तावड़े जी को हमने अनुरोध किया है कि दादा साहब फाल्के और श्रीमती दादा साहब फाल्के
का जीवन चरित्र जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में, महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि फिल्म इंडस्ट्री बनाने में उन्होंने कितना योगदान दिया। आज उनकी वजह से हजारों करोड़ रुपए का ये साम्राज्य खड़ा हुआ है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, दादा साहब फाल्के चित्र नगरी और को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के साथ साथ दादा साहब फाल्के चित्र नगर घोषित किया जाए और बम्बई का भी नाम बदल के दादा साहब फाल्के किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा। और उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकारा है, उन्होंने कहा बहुत जल्द ही मैं मीटिंग बुलाने वाला हूँ और उस मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखूँगा और हो सकता है कि 2019 में दादा साहब फाल्के का चैप्टर हमारे महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में आ जाए। और मैं राजू अय्या जी से अनुरोध करूंगा, गोपाल शेट्टी जी से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखें कि हिंदुस्तान के हर राज्य में दादा साहब फाल्के का पाठ्यक्रम हो, जिसमें उनकी परिस्थितियां, उन्होंने हरिश्चंद्र कैसे बनाई और कई फिल्में बनाने के बाद आखिरी फिल्मों में उनको लॉस हुआ और वो रोड पर आ गए, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की, सरकार ने भी उनका ध्यान नहीं दिया। दादा साहब फाल्के एकेडमी ने उनके इस बात का संज्ञान लिया और उनको बुलाया और उस वक्त विलासराव देशमुख जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्लैट दिया गया। उस फ्लैट के लिए भी जो अनुदान राशि चाहिए थी वो उनके पास नहीं थी, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और हमारे कुछ दादा साहब फाल्के एकेडमी के लोगों ने मिल करके वो इकट्ठा किया और उनको दिया। आज वो उस फ्लैट में रह रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और आगे भी ये प्रयत्न बढ़े। और कुशालकर साहब, चंद्रशेखर कुशालकर साहब और उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, दादा साहब फाल्के की पताका फहराने के लिए, जो माहिम में रहते हैं, पहले दादर गए और दादर के बाद यहाँ इतनी दूर आए। पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि करोड़ों में खेल रहे हैं। दे फॉरगेट देयर बेस, दे बस लर्न कि उनका बेस दादा साहब फाल्के हैं। सारा साल वो कमाते हैं, सब कमाए, लेकिन एक 10 मिनट के लिए फिल्म इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के चित्रनगरी में आकर के उनको नमन करे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप ऑल द बेस्ट, गुड लक। और 22 क्राफ्ट हैं फेडरेशन के, आज उनके यहाँ से भी कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। और उन्होंने कल ही दादा साहब फाल्के एक्सीलेंट अवार्ड किया है, और परसों, सॉरी, दादा साहब फाल्के एक्सीलेंट से तो पूनम जी और हर्षवर्धन आए थे, लेकिन अशफाक कोपरेकर जिन्होंने दादा साहब फाल्के फाउंडेशन बनाई है और कल ही अवार्ड किया है, और 22 क्राफ्ट, उनमें से एक भी क्राफ्ट यहाँ नहीं आया है, तो ये बड़े दुख की बात है। आप दादा साहब फाल्के के नाम पे धंधा तो कर रहे हो, लेकिन उनको नमन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इट इज़ वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। आई होप नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आज उनका बर्थ डेट है तो इट इज, मैं ये देख के हैरान हूँ, बहुत छोटे तबके में मनाया जा रहा है, बहुत कम लोग आए हैं, बट ही इज द आइकॉनिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। इट शुड बी डन इन अ मच बिगर वे, लाइक ये अपने एक हमारे इमोशंस हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया फिल्म इंडस्ट्री में, उनका आज दिन है और वही लकी की मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ। और दादा साहब फाल्के ने जो किया है उनको देखकर आई थिंक दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, व्हाट मे कम, कुछ भी हो, हमने अपने से भी जुड़ा होना है। जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जिस स्ट्रगल से उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, उनकी वाइफ ने जैसे उनका साथ दिया है, तो वो एक इट्स अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन ऑल ऑफ अस की कुछ नहीं है तो भी वो फिल्म बना सकते थे, हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम उस तरह की फिल्म नहीं बनाते। और मैं क्या बोलूँ, वो तो ही इज़ द फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड आई एम सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम। जो हमने पढ़ा है, एक्चुअली हमने तो सिर्फ पढ़ा है और उनके बारे में जाना है, हम उन्हें मिले नहीं हैं तो उतना मैं नहीं कह सकती, बट दिल से मैं नमन करती हूँ उनको कि उनका नाम एवरी आर्टिस्ट, एवरी फिल्म मेकर शुड स्टार्ट बाय फर्स्ट प्लेइंग हिम, देन दे शुड स्टार्ट। अब मेरे को कहने का यही मतलब है कि जब भी कोई फिल्म बनती है हमें सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जैसे बिकॉज ही इज़ अ बिग नेम इन द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू जी। राजन जी क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय दादा साहब फाल्के। सबसे पहले तो तमाम उनके चाहने वालों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई
आज हम सब लोग फिल्म सिटी में हैं और ये फिल्म सिटी बहुत ही खूबसूरत है, 500 से कहीं ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है और उनके नाम पर इस चित्रनगरी का नाम रखा गया है, तो और खूबसूरत हो जाता है ये फिल्म सिटी। आज जो 30 अप्रैल का दिन है ये हमारे लिए ख़ास है क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूँ और इंटरनेशनली परफॉर्म करता हूँ चार्ली चैप्लिन द्वितीय को, और जिसकी वजह से लोगों से मिलना होता है, लोगों के अंदर मैं जब दादा साहब फाल्के को लेकर प्यार देखता हूँ तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत सारे लोग यहाँ आए भी फिल्म सिटी में, तो और भी बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम लोगों को उनका जन्मदिन याद तो है। पिछले साल मैंने भारत सरकार से मांग की थी कि इनको भारत रत्न मिले, क्योंकि अगर इनको भारत रत्न मिलता है तो तमाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा और लोग इस बहाने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे महान शख्सियत को लोग नमन करते हैं, उनको प्यार देते हैं, और बेहतर है मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज़ पे है। जी हाँ, जो पीछे पोस्टर आप देख रहे हैं, नमस्ते बिहार, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, हिंदी फिल्म है ये। आज से 10 साल पहले नमस्ते लंदन आई थी और 10 साल बाद नमस्ते बिहार आप लोगों के सामने होगी। नाम नमस्ते बिहार ज़रूर है लेकिन ये इंडियन फिल्म है, एक एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसमें स्टोरी बिल्कुल हटके है, डिफरेंट है। मिड डे मील को इशू बनाया गया है जो कि आप नॉर्थ के कई स्टेट में मिड डे मील, इवन महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ कि बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, तो खाना सही तरीके से बच्चों तक पहुँचे और बच्चे खाना खाकर फिर पढ़ाई को करें, ये सोच है इस फिल्म की और बहुत मेहनत के बाद ये फिल्म बन पाई है। मैं गुजारिश करता हूँ अपने तमाम फैंस से और अपने दोस्तों से और जानने वालों से कि इस फिल्म को अपना प्यार ज़रूर देंगे। नमस्ते बिहार, नमस्ते भारत, जय हिंद। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्या बनाया है आपने और किस तरह का सॉन्ग है? नहीं, ये गज़ल एल्बम है, ऐसा लम्हा तौफीक फाखरी साहब ने जो गाया है, 2 गज़लें हैं इसमें। ये गज़ल जो है तौफीक साहब के वाली साहब फाखरी जलालपुरी साहब ने लिखी है और एक उनके बड़े भाई हैं डॉक्टर फाखरी, उनकी लिखी हुई ये गज़ल है। इन दोनों गज़लों को तौफीक फाखरी ने गाया है, म्यूज़िक डायरेक्टर उमेश मिश्रा है, उन्होंने बहुत अच्छे से कंपोज किया है, बहुत तैयारी की इन्होंने, 5-6 महीने तौफीक फाखरी साहब ने इस पर रिहर्सल किया और उसके बाद इसका एक शानदार वीडियो बनाया गया है और अब फिल्म सिटी में इसे आज रिलीज़ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह का वीडियो आपने क्रिएट किया है, आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं इसके, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में, वीडियो क्या बोलता है, लोग देखें तो क्यों देखें, क्या है उसके अंदर कुछ खास? नहीं, एक तो गज़ल जो है बहुत कम आजकल आ रहा है, गज़लों का जो एल्बम है तो बहुत दिनों बाद एक 2 अच्छी गज़लें हैं जो पब्लिक को सुनने को मिलेगी। और इसके वीडियो में भी हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं किया है, बल्कि सिंगर जो है वो जिस तरह से नॉर्मली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाते हैं, हमने उसी चीज़ पे फोकस किया है। बीच में कुछ सीन्स भी आ रहे हैं, कुछ रोमांटिक सीन्स भी हैं जो इसमें एडिट करके डाला गया है। फखरी साहब, आप जानना चाहेंगे, आपने इतनी मेहनत की, आपका फ़ोटो दिख रहा है पीछे, जी जी, तो आपने गाया भी है जहाँ तक लग रहा है, जी जी, और लिखा हुआ भी शायद आपका ही है, तो जी, मेरे वालिद साहब के, मेरे भाई साहब का, तो एल्बम के बारे में क्या कहेंगे आप, शायद शुरुआत कर रहे हैं इसमें तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, एल्बम के ताल्लुक़ ये कि ये मेरा गज़ल के तौर पर ये मेरा पहला एल्बम है और गाने का शौक, गज़लों का, शेर व शायरी का शौक, मतलब मेरा घर ही से ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई जान की ताल्लुक़ शौक शौक मेरे शुरू था और गाने का भी बचपन से मैं मुख्तलिफ़ जगह गाता वाता फिर रहता, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, वहाँ से भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ संगीत समिति है, वहाँ से मैं संगीत का कुछ ट्रेनिंग भी किया कुछ दिनों तक, फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे भी काफ़ कुछ जगह मुझको मौका मिला स्टेज शो करने का, गायक हूँ, गज़ल भी गज़लें, सिर्फ गज़लें, और ये कंपोजिंग सिर्फ मेरे वालिद साहब, मेरे भाईजान की जो गज़ल है ये अपनी आवाज़ मैंने गाई, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और उम्मीद करता हूँ कि लोग इसको पसंद करेंगे। ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया, मतलब अभी आज आपकी उम्र का पड़ाव जो है इतना आगे आ चुका है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या प्रॉब्लम रही आपसे? प्रॉब्लम ये थी, मैं इसको मतलब अपने से प्रोफेशनल के तौर पर ऐसा कुछ नहीं समझा था, ये असल में क्या है कि वो मेरा एजुकेशन का मामला भी आ गया था, करियर का देख करके, इधर मैं एज असिस्टेंट टीचर भी हूँ, उसमें मेरी मसरूफियत रहती थी, ये ज़ौक और मतलब करने का कि तरीके का मशगले के तौर पर इसको साइड में मैं रखा था, ना कि इसको मतलब करने का प्रोफेशनल समझ के सब चीज़ें मैंने काम की, क्योंकि पहली तरजीह अपनी यही थी जो हमारा जॉब है, हमारा ये टीचिंग जॉब,
इसको मेंशन किया जाए, मेंटेन किया जाए, तो उस पर मेरी खसूसी तवज्जो रहती थी। बाली वक्त जो मिलता था उस पर मेरा शौक और मशगले और शौक की बुनियाद पर ही रहता था। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह रहे हैं पढ़ाव का मामला, ये वक्त जो ज़ाय हुआ दादा इसी वजह से, उसका जो सबब था वो यही था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ खाली वक्त सर्फ मैंने गज़ल गायकी में की। अभी आपकी एल्बम रिलीज़ हो गई है, तो अभी आपका क्या प्लान है और कितनी खुशी हो रही है और गाजी साहब के बारे में क्या कहेंगे आखिरी? खुशी तो मुझको बहुत ही बेपनाह हो रही। बचपन जो शौक था और मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मतलब शेर व शायरी के ज़ौक की बुनियाद पर आइंदा कभी तरीके से एल्बम हो, अपनी आवाज़ में अपने वाली साहब की अपने भाईजान की गज़लें गाऊँ, तो मुझको तो मतलब कहने का लग नहीं रहता कि ये चीज़ आसानी से मतलब कहने का पाए तकमील तक पहुँचेगी। और ये सब सारी चीज़ें मैं समझता हूँ गाजी भाई अगर मुलाकात ना होती, और इनसे मेरे ताल्लुकात अखबारी है उर्दू टाइम से काफ़ी दिनों, तो मैं भी ऐसे मतलब अखबार में हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह करते थे, काम करते थे काफ़ी दिनों, तो दोस्ताना ताल्लुकात मेरा इन्हीं से हुआ, इन्हीं की बदौलत ये चीज़ जो है अमल में आई। थोड़ा सा गाना गा देंगे आप हल्का जो आपने गजल गाई है? जी तो हाँ, सुर में थोड़ा सुना दीजिए। ऐसा लम्हा जो गाना है जी जी, उसका पहला शेर आप जी। ऐसा लम्हा नहीं कोई दिन रात में, ऐसा लम्हा नहीं कोई दिन रात में, जो न गुजरा हो तेरे ख्यालात में, जो न गुजरा हो तेरे ख्यालात में। शुक्रिया जनाब।